हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मेरे चैनल बिया पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट है क्या? तो एक इंसर्शन सॉर्ट एक टाइप की शॉर्टिंग है जिसके थ्रू हम अपने वैल्यूज को एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके शो करते हैं। ओके, तो फर्स्टली व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, और एक एग्जांपल के थ्रू हम इस इंसर्शन सॉर्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट? सो इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट बिल्ड्स द फाइनल सॉर्टेड एरे वन आइटम एट अ टाइम। इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स सिमिलर टू द वे यू सॉर्ट playing cards in your hands. The array is virtually split into a sorted and an unsorted part. Values from the unsorted part are picked and placed at the correct position in the sorted part. So basically, insertion sort is a simple sorting algo. जो किसके लिए यूज किया जाती है? एक टाइम में हम सारे अपने एलिमेंट्स को, जो भी हमारे पास एरे गिवन है, उन्हें फाइनल सॉर्टेड एरे में डिस्प्ले कर सकें, उसके लिए हम लोग इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर रहे हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट जस्ट लाइक अ, जब हम लोग कार्ड्स को प्ले करते हैं, जब कार्ड्स खेलते हैं अपने हाथ में, जब कार्ड्स को अरेंज करते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट हमारा इंसर्शन सॉर्ट कहलाता है। ओके, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम वन बाई वन करके कार्ड्स को हाथ में पिक करते हैं एंड देन उन्हें अरेंज करते हैं सॉर्टेड फॉर्म। ओके, तो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट कहलाता है। तो नाउ एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, मेरे पास एक एरे है जिसमें वैल्यूज है 8, 5, 6, 16, 25, 4 एंड 9। तो मैंने यहाँ पर 7 एलिमेंट्स लिए हैं इस एरे में। अब मुझे क्या करना है, इस एरे को अरेंज करना है। तो उस अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हम किस तरीके से वैल्यूज को यूज में ले रहे हैं और आगे हम लोग इसे अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला एलिमेंट है उसे हम यहाँ पर वैल्यूज के साथ मैच करेंगे। तो देखिये, सबसे पहले मेरे पास 8 था, 8 को मैंने चेक किया, 8 अपनी पोजिशन पर बिल्कुल है, सिंगल है वैल्यू। देन अब मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट एलिमेंट है एरे में 5। तो मैं 5 को चेक करूंगा कि 5 इज लेस देन 8, दैट मींस क्या होगा, 5 विल इंसर्टेड बिफोर 8। तो मैं 5 को 8 से पहले इंसर्ट कर दूंगा, क्योंकि हम लोग इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर रहे हैं। देन जब मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, अब चेक करेंगे हम लोग, 5 और 8 अपनी पोजिशन पर आ गया, नेक्स्ट एलिमेंट है 6। तो 6 को अब मैंने चेक किया, 6 इज लेस देन 8। यहां पर जब हमें ये डिफाइन करा है कि 6 लेस देन 8 है, इसका मतलब क्या होगा, वो 8 से पहले इंसर्ट होगा। तो सो 6 विल इंसर्टेड बिफोर 8। तो हम यहां पर अरेंज कर देंगे, अरेंज करने के बाद वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अरेंज करने के बाद 5, 6, 8 अपनी पोजीशन पर आ गए, द नेक्स्ट एलिमेंट इज 16 एंड 16 इज एट करेक्ट पोजीशन, क्योंकि जो भी हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स है उसमें 16 जो है अपनी पोजीशन पर ही है, सो नो इंसर्शन नीडेड। The next element is 25. तो 25 के केस में फिर चेक करेंगे, 25 भी अपनी ही पोजीशन पर है, तो 25 is at correct position, that means no insertion needed. तो इसमें क्या है, फिर से हमें कोई insert need नहीं है या insertion allowed नहीं है, ठीक है। Then उसके बाद next element is 4. तो 4 को हम एक एक करके चेक करेंगे, तो 4 is less than 5. इसका मतलब जो 4 है, जो सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं सारे, उसमें जो 5 है उससे लेस देन है, दैट मींस 4 विल इंसर्टेड बिफोर 5। तो ऐसे केस में जब हमारे पास 4 5 से आ जाएगा तो हम उसे अरेंज कर देंगे, तो वैल्यू क्या होगी, 4 5 6 8 16 25 9, देन 9 अगेन इज लेस देन 16, तो 16 से छोटा है, तो उस केस में क्या करेंगे, 9 विल इंसर्टेड बिफोर 16, तो 9 जो है 16 से पहले इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा जिसमें क्या वैल्यूज है, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 25। तो एक अरेंज किया है हमने इस एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर के साथ, तो यही हमारा एक रिजल्ट है। तो इंसर्शन सॉर्ट को सॉल्व करने का यही एक प्रोसेस
हमारे पास गिवन है और इसी हम प्रोसेस को यूज में लेते हैं। ओके तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको मेरा ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल और इंसर्शन सॉर्ट। तो अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम इंसर्शन सॉर्ट को प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। ओके ओके थैंक यू।